हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT हिंदी क्लास 9 का चैप्टर 17 बच्चे काम पे जा रहे हैं का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं या आप क्लास 9 का सभी चैप्टर का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक और ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। कविता को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक जो है बच्चे काम पे जा रहे हैं पाठ का राजेश जोशी, उनका बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू कर दी। पत्रकारिता मतलब पत्र में संपादन वगैरह करना, और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। नाट्य रूपांतरण मतलब नाटक लिखना, कुछ कथा लिखना, कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं माक्योवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। मतलब बहुत सारे कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। मतलब उनका भाषा बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग देशों में प्रकाशित होते थे। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, उनका प्रमुख ये काव्य संग्रह है, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, मतलब समाज से जुड़ी हुई होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी अवस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता, लयात्मकता और तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन के संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी जिस तरह से वे दुनिया का नष्ट होने का खतरा उनको दिखाई दे रहा, उसी तरह जीवन को बचाए रखने के लिए संभावना भी है, यानी निराशा है तो आशा भी है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। बचपन यानी बचपना, बचपन में आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, इधर उधर घूमते, मौज मस्ती करते। बचपन में उतना चिंता फिक्र नहीं रहता है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया। विडंबना मतलब जो एक विडंबना, एक ढोंग है जिसमें कुछ बच्चे खेल और शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। यह एक वास्तविक घटना है कि कहीं कहीं पर बच्चे को बचपन में खेल कूद, उन्हें पढ़ने लिखने का ये सब सारे ये सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बचपन से ही काम करना पड़ता है, दो वक्त का रोटी के लिए 5 साल के बच्चे को एक दुकान में या एक अलग अलग जगह पे काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं है। अगर वे काम नहीं करेंगे तो खा नहीं सकेंगे। देखिए, बच्चे काम पे जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कोहरे का मतलब होता है ओस, यानी ओस गिरना, कोहरा। विवरण का अर्थ होता है व्याख्या। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से राजेश जोशी जी कहते हैं, अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, वे मजदूरी करने को विवश है। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम पे जाने को विवश है। बच्चों का काम पर जाना कवि का अंदर तक झकझोर देता है, और यह सबसे भयानक पंक्ति है। और उससे भी ज़्यादा भयानक है कि इसे विवरण जैसे लिखा जाना है, इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछे जाना चाहिए कि बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदे, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक।
यहाँ पे अंतरिक्ष का अर्थ हो रहा आकाश, दर्शा का अर्थ होता है उर्दू स्कूल पाठशाला जहाँ पे उर्दू पढ़ाया जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि बच्चों को काम पर जाते देख, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में गिर गई जो मिल नहीं रही है, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दिमकों ने खा लिया है, क्या उनको उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं। कभी पुनः पूछते हैं कि क्या सारे मैदान बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं, ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, उन्हें ऐसा कौन सा मजबूरी है जिसके लिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसमामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हसबामूल का मतलब हो रहा पहले जैसा यथायत। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राजेश जोशी जी कहते हैं कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ भी नहीं बचता तो भयानक बात थी, पर उससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बहुत भयानक स्थिति है और इसे संभालना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग क्लास 9 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं, या इसी चैप्टर्स का आप लोग क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ गाइस जाकर ज़रूर देखें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।